अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द नॉलेज विजिटरी। आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर के मंथ तक हैं, और जुलाई, अगस्त और सितंबर में जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारे इस वीडियो में ऐड किए गए हैं। इसके अलावा 2023 के ही जनवरी से लेकर जून तक जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हैं उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और 2022 के करंट अफेयर भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि आपके वन पेपर एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे आप एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी की कर रहे हैं, या एनटीएस या सीएसएस के एमपीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे करंट अफेयर आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम ऑफ फर्स्ट एवर रशियन ऑयल शिप कैरिंग ओवर 45,000 मीट्रिक टन्स ऑफ क्रूड अराइव्ड एट कराची पोर्ट ऑन 11 जून 2023। तो रिसेंटली रशिया से पाकिस्तान ने ऑयल मंगवाया है जो कि 45,000 मीट्रिक टन था, और वो कराची पोर्ट पर आया था 11 जून 2023 को। तो जिस बोट पे वो ऑयल लाया गया था, उस बोट का, उस शिप का क्या नाम है? उस शिप का नाम था प्योर पॉइंट। इन जून 2023 62 कोल माइंस आर री ओपन आफ्टर 16 ईयर्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो रिसेंटली पाकिस्तान में 16 साल के बाद 62 कोल माइंस को री ओपन किया गया है। तो वो कोल माइंस कहाँ पर वाक़िया थी? वो कोल माइंस कुरम में वाक़िया थी। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मिनिस्टर ने ये कोल माइंस री ओपन की थी? तो उस मिनिस्टर का नाम है मिनिस्टर साजिद तूरी। हमारा अगला करंट अफेयर है, द कंट्री फर्स्ट ईआई पावर्ड सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल्ड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सिक्योरिटी सिस्टम पाकिस्तान की सिटी पिशावर में हेल्ड किया गया है। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट इज़, तो पिशावर हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस का नाम मुसर्रत हिलाली है। मुसर्रत हिलाली के बारे में एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि हु इज़ द सेकेंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो मुसर्रत हिलाली इज़ द सेकेंड फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज इन पाकिस्तान, और जो फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज इन पाकिस्तान है वो है आयशा मलिक। Who is the first female officer appointed in KP Police Investigation Wing? तो KP Police Investigation Wing में पहली female officer को appoint किया गया है। उस female officer का क्या नाम है? उसका नाम है आयशा गुल। Who became the first female deputy commissioner of Balochistan? तो बलोचिस्तान की first female deputy commissioner का नाम है आयशा जहरी। Who has become the first woman deputy speaker of the Gilgit Baltistan Assembly? तो Gilgit Baltistan Assembly की first woman deputy speaker का नाम है सादिया दानिश। अब woman के बारे में जितनी भी important slides थी वो सारी मैंने एक साथ add कर दी हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। Which tech giant launched its startup cloud program in Pakistan? तो पाकिस्तान में गूगल ने रिसेंटली स्टार्टअप क्लाउड प्रोग्राम लॉन्च किया है। Which province of Pakistan is set to become Georgia's sister province? तो पाकिस्तान के कौन सी प्रोविंस को जॉर्जियाज का सिस्टर प्रोविंस कहा गया है? तो उस प्रोविंस का नाम है सिंध। Who is current IG of Punjab Police? तो पंजाब पुलिस के करंट IG का नाम है डॉक्टर उस्मान अनवर। Recently signed new project the Chashma 5 between Pakistan and China will be built in which province of Pakistan? तो Chashma 5 एक new project का नाम है जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान साइन हुआ है। Chashma 5 एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का माहदा है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाने की डील की गई है? तो ये सेंट्रल पंजाब में बनाया जाएगा। पाकिस्तान एंड चाइना साइंड अ डील ऑफ 12,000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन।
तो जो चश्मा 5 का प्रोजेक्ट है वो 12,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो ये कौन सी डेट को साइन हुआ था? ये 20 जून 2023 को साइन किया गया था। इसके अलावा पेपर में आपको आपसे इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी पूछी जा सकती है, जो कि 4.8 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान टू साइन एन MOU विद विच कंट्री टू हेल्प इम्प्रूव रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिज़ास्टर। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली नेचुरल डिज़ास्टर पे अपना रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो उस कंट्री का नाम है स्विट्ज़रलैंड। हु इज़ करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का नाम है जमील अहमद। इसके अलावा एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन मैंने इस स्लाइड पे ऐड की है कि हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर का नाम है जाहिद हुसैन। हु इज़ करंट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान? तो फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है जस्टिस इकबाल हमीदुर्रहमान। इसके अलावा आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का नाम भी पता होना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का नाम है मंसूर उस्मान अवान। जोयलैंड स्टार डैश हैज़ बीन क्रॉन्ड मिस ट्रांस पाकिस्तान 2023। तो जोयलैंड एक पाकिस्तानी मूवी का नाम है जिसके एक स्टार को मिस ट्रांस पाकिस्तान 2023 दिया गया है। तो उस स्टार का नाम है अलीना खान। विच US एम्बेसिडर विजिटेड कराची बिटवीन June 22 and 24, 2023? तो जून में US एम्बेसिडर ने कराची में एक विजिट किया था। तो उस एम्बेसिडर का नाम है डोनाल्ड ब्लूम। इसके अलावा डोनाल्ड ब्लूम ने क्यों विजिट किया था? डोनाल्ड ब्लूम ने ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट को बारे में डिस्कशन करने के लिए कराची में विजिट किया था। इन फेडरल बजट 2023 और 2024 -% इंक्रीज इन सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ ग्रेड 17 to 22 इन द फॉर्म ऑफ एड हॉक रिलीफ। तो जो फेडरल बजट 2023-2024 था उसमें से 17वें ग्रेड से 22वें ग्रेड के मुलाज़मों के लिए कितने परसेंट इंक्रीज इन सैलरीज था? तो वो था 30%। इसके अलावा जो ग्रेड 1 से 16 के ऑफिसर्स हैं के सर्वेंट्स से उनके लिए भी एक इंक्रीमेंट लगाया गया था, जो कि था 35%। हु इज़ करंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का नाम है ग्रैंड ब्रैडबर्न। अभी स्लाइड पे केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में सारी डिटेल ऐड की गई हैं। पेपर में आपसे केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, या पंजाब के केयर टेकर CM का क्या नाम है। तो हम ये सारे नेम्स वन बाय वन देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है इनवारुल हक काकड़, जो कि 31st प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर हम केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो अनवारुल हक काकड़ 8th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर का नाम है अली मर्दान खान डोमकी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी। सिंध के प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर का नाम है मकबूल बकर। और KPK के चीफ मिनिस्टर का नाम है मोहम्मद आजम खान। और GB के चीफ मिनिस्टर का नाम है गुलबर खान। तो ये थे इम्पोर्टेंट केयर टेकर गवर्नमेंट के कुछ MCQs, जो कि हमारे वन पेपर MCQs में पूछे जा सकते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू समिट माउंट एवरेस्ट विदाउट द सपोर्ट ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन? तो वो कौन सा पाकिस्तानी है जिसने ऑक्सीजन के बगैर माउंट एवरेस्ट को समिट किया है? तो उस पाकिस्तान का नाम है साजद अली सदपारा।
हु बिकेम द सेकेंड पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एंड नांगा पर्वत। तो सेकेंड पाकिस्तानी वुमेन का क्या नाम है जिसने माउंट एवरेस्ट एंड नांगा पर्वत को क्लाइंब किया है? तो उस वुमेन का नाम है नाइला कियानी। नाइला कियानी के बारे में और भी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं जो कि हम इसी स्लाइड पर डिस्कस कर लेंगे। तो नाइला कियानी ने रिसेंटली अन्नापूर्णा माउंटेन को भी क्लाइंब किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एंड नांगा पर्वत, तो उस फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन का नाम है समीना बेग। विच पाकिस्तानी कपल बिकम द फर्स्ट टू समिट द वर्ल्ड्स 8th हाईएस्ट पीक माउंट मनासलू? तो वो कौन सा पाकिस्तानी कपल है जिसने पहली बार माउंट मनासलू को क्लाइंब किया है? तो उस कपल का नाम है अहमद उजैर एंड अनम उजैर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन विच पोजिशन डिड पाकिस्तान रैंक इन 2022? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान का प्रेस फ्रीडम में कितनवा नंबर था? तो पाकिस्तान का रैंक था 157। वट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2023 रिपोर्ट? तो 2023 में पाकिस्तान का फ्रीडम इंडेक्स में कितना रैंक है? तो पाकिस्तान का रैंक है 150। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, वट परसेंटेज इंक्रीज इन थ्रेट्स एंड अटैक्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट वॉज रिपोर्टेड इन पाकिस्तान ओवर द पास्ट ईयर 2023? तो जो पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है उसके मुताबिक कितने परसेंट जर्नलिस्ट को अटैक किया जाता है? तो उस परसेंटेज वो परसेंटेज है 60%। वट इज़ रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पाकिस्तान का रैंक है 142। विच प्रोविंस इस्टेब्लिश द कंट्रीज फर्स्ट एवर वुमेन एंटी रॉयड पुलिस यूनिट? तो पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस ने सबसे पहले वुमेन एंटी रॉयड पुलिस यूनिट को इस्टेब्लिश किया है? तो उस प्रोविंस का नाम है बलूचिस्तान। हु बिकेम फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव प्रेस्टिजियस ऑनरी फेलोशिप अवार्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? तो वो कौन सी फर्स्ट पाकिस्तानी हैं जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेस्टिजियस ऑनरी फेलोशिप अवार्ड दिया गया है? तो उस पाकिस्तानी का नाम है मलाला यूसुफजई। पाकिस्तान बॉक्सर उस्मान वजीर डिफीटेड टू विच प्लेयर एंड बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी एशियन बॉक्सर चैम्पियन? उस्मान वजीर एक पाकिस्तानी बॉक्सर हैं जिसने रिसेंटली एक प्लेयर को शिकस्त दी है और वो फर्स्ट पाकिस्तानी एशियन बॉक्सर बन गया है। तो उस्मान वजीर ने किसको शिकस्त दी है? ही हैज़ डिफीटेड सोमफोर्ट सीसा जो कि थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। हु इज़ करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया? तो सऊदी अरेबिया की तरफ जाने वाला पाकिस्तान एम्बेसडर का नाम है अमीर खुरम राठौर। इसी तरह से हम दूसरी कंट्रीज़ में जाने वाले एम्बेसडर्स के नेम भी देख लेते हैं जो कि हमारे वन पेपर एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो फ्रांस में पाकिस्तान एम्बेसडर का नाम है आसिम इफ्तखार और अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर का नाम है उबैद रहमान निज़ामानी। कतर में जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है उसका नाम है मोहम्मद एजाज और यूएसए में पाकिस्तानी एम्बेसडर का नाम है मसूद खान। द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हैज़ डिवाइडेड पशीन डिस्ट्रिक्ट इंटू टू पार्ट्स कंप्राइजिंग? तो रिसेंटली बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने पशीन डिस्ट्रिक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो उन डिस्ट्रिक्ट को नेम दिए गए हैं क्रीजत, बारशोर एंड पशीन। फेडरल मिनिस्टर फॉर आईटी एंड टेलीकॉम हैज़ लॉन्च द पाकिस्तान फर्स्ट एवर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन नेम्ड? तो फेडरल मिनिस्टर ने रिसेंटली एक कम्युनिकेशन एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है बी पाकिस्तान। न्यूली सिलेक्टेड आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बिलोंग्स टू रेजिमेंट? तो
तो जो न्यू आर्मी चीफ है जिनका नाम है जनरल आसिम मुनीर, वो कौन सी रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग टू 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। आसिम मुनीर 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। हु इज़ करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का नाम है मेजर जनरल अदनान आसिफ। मुजाहिद डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच रीजन ऑफ रावलपिंडी? तो मुजाहिद डैम रावलपिंडी के कौन से रीजन में बनाने का फैसला किया गया है? तो मुजाहिद डैम को रीजन चौंटरा में बनाया जाएगा। इसके अलावा एक और डैम को भी रावलपिंडी के रीजन में बनाने का फैसला किया गया है। उस डैम का नाम है मुहाता डैम, जो कि रावलपिंडी के रीजन रायका में बनाया जाएगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट हैज़ बीन रैंक डैश इन 2023। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को 2023 में 4th वर्स्ट पासपोर्ट करार दिया गया है। विच लेडी क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान रिसीव्ड हलाले इम्तियाज़ अवार्ड? तो हलाले इम्तियाज़ अवार्ड जो है वो बिस्मा मारूफ को मिला था, जो कि क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान है। हु इज़ करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का नाम नजम सेठी है। हु इज़ करंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम? तो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच का नाम है मार्क कॉलेज। ईरान अपॉइंटेड एन एम्बेसिडर टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2016? तो ईरान ने रिसेंटली एक कंट्री में अपना एम्बेसिडर भेजा है, जो कि 2016 के बाद पहली बार भेजा है। तो उस कंट्री का नाम है यूएई। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट, एयर पोल्यूशन कट स्पैन्स इन पाकिस्तान बाय अप टू। तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पोल्यूशन की वजह से जिंदगियां कितने साल कम हो गई हैं? तो 4 साल पाकिस्तान में जिंदगियां कम हो गई हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन। अर्शद नदीम वन डैश मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो अर्शद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, और उसने ये मेडल 87.82 मीटर्स थ्रो करके जीता था। हु इज़ करंट आईजी ऑफ नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, जिसे हम NHMP कहते हैं? तो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के करंट आईजी का नाम है सुल्तान अली ख्वाजा। इसके अलावा हम और ऑफिसर के नेम भी देख लेते हैं, जो कि वन पेपर MCQs के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। तो DG रेंजर सिंध का नाम है मेजर जनरल अजहर वकास, और चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो नाम है वो है मोहम्मद आमिर हयात, और डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, जिसे हम PCAA कहते हैं, उसका नाम है खाकान मुर्तजा, और चेयरमैन ऑफ ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी, उनका नाम है पसंद खान बुलेदी। 10-year-old मूसा तनवीर बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर टू अर्न। तो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का नाम है मूसा तनवीर, जो जिसकी एज 10 साल है। उसने रिसेंटली डायमंड प्ले बटन विन किया है, एंड ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर जिसे डायमंड प्ले बटन मिला है। हु इज़ न्यूली अपॉइंटेड DGISPR ऑफ पाकिस्तान आर्मी? तो पाकिस्तान आर्मी का न्यूली अपॉइंटेड DGISPR का नाम है मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी। हु इज़ करंट चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस का नाम है जस्टिस आमिर फरूक। विच पाकिस्तानी फिल्म बिकम्स हाइएस्ट ग्रोसिंग पाकिस्तानी फिल्म एवर वर्ल्ड वाइड एंड फर्स्ट टू क्रॉस PKR 100 करोड़? तो वो कौन सी पाकिस्तानी फिल्म है जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा अर्निंग करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उस फिल्म का नाम है द लेजेंड ऑफ मोला जट। वट इज़ पाकिस्तान शेयर इन GF-17 थंडर प्रोडक्शन? तो GF-17 थंडर प्रोडक्शन में पाकिस्तान का शेयर है 58%।
According to the 2023 national census, the Pakistan population has crossed dash million. तो जो recently अभी 2023 की मर्दमशुमारी हुई है उसमें ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान की population है वो 240 million हो गई है. White Star 4 is a bilateral exercise held between which countries? तो White Star 4 किन दो countries में उसकी मश्क की गई है? तो उन countries का नाम है पाकिस्तान एंड यूके. The Toshakhana, the gift depository of Pakistan was formed in dash. तो Toshakhana को 1974 में बनाया गया था. Who became first former prime minister to be kept in Attak jail? तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो कौन से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें अटक जेल में रखा गया है? उन प्राइम मिनिस्टर का नाम है इमरान खान. When did the army chief of Pakistan army on official visit to Turkey met with Turkish president Recep Tayyip Erdogan? तो आर्मी चीफ जो है तैयब अर्दोगान से 13 सितंबर 2023 में मिले थे. पाकिस्तान गिफ्टेड नेवी शिप तारिक टू विच कंट्री? तो पाकिस्तान ने रिसेंटली एक नेवी शिप जिसका नाम तारिक था वो कौन सी कंट्री को गिफ्ट किया है? तो उस कंट्री का नाम है यूके. पंजाब फर्स्ट प्लास्टिक रोड इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो पंजाब में पहला प्लास्टिक रोड कहाँ बनाने का फ़ैसला किया गया है? तो वो लाहौर में बनाने का फ़ैसला किया गया है. इसके अलावा हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में सबसे पहला प्लास्टिक रोड कहाँ बना था? तो वो इस्लामाबाद में बना था. विच सिटी ऑफ पाकिस्तान रैंक टॉप इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 के मुताबिक पाकिस्तान का कौन से शहर को मोस्ट पोल्यूटेड सिटी करार दिया गया है? तो उस सिटी का नाम है कराची. अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक अबाउट डैश पाकिस्तान इज नाउ लिविंग इन पॉवर्टी? तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कितने परसेंट पाकिस्तानी लिविंग इन पॉवर्टी गुरबत में रह रहे हैं? तो वो हैं 95 मिलियन. 95 मिलियन को अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो तकरीबन 34.2% से 39.54% पाकिस्तान की पॉपुलेशन गुरबत के दहाने पर रह रही है. When Justice काजी फ़ाइज ईसा took oath as 29th Chief Justice of Pakistan? तो Justice काजी फ़ाइज ईसा ने कब हलफ संभाला था as Chief Justice of Pakistan? तो वो था 17 सितंबर 2023 और Justice काजी फ़ाइज ईसा 29th Chief Justice of Pakistan है. Which country for the first time won the European Long Race Championship 2023 held at Bisley, United Kingdom? तो उस कंट्री का क्या नाम है जिसने फर्स्ट टाइम यूरोपियन लॉन्ग रेस चैम्पियनशिप 2023 को विन किया है? तो उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान और यूरोपियन लॉन्ग रेस चैम्पियनशिप बिस्ले में मुनक्किद किया गया था. तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान करंट अफेयर जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक कवर किए गए हैं. इसके अलावा इंटरनेशनल करंट अफेयर की सीरीज़ भी जल्द ही चैनल पर अपलोड की जाएगी ताकि आपके वन पेपर एमसीक्यूज़ में करंट अफेयर का पोर्शन अच्छे से कवर हो जाए. करंट अफेयर के अलावा मेरे चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छा डाटा मिल जाएगा जो आपके वन पेपर एमसीक्यू के लिए बहुत ज़रूरी होगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.